दुनिया भर के लोगों का कोरोना वायरस संक्रमण से हाल बेहाल है। कोरोना का कहर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर के बाद अब भारत में चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है। कई यूरोपीय देश कोरोना की मार झेल रहे हैं। चीन के भी हालात पस्त हो गए हैं। इधर भारत में भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से खतरा बढ़ता जा रहा है। मुंबई, दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि देश में जल्द ही चौथी लहर दस्तक दे सकती है। हालांकि कई लोगों का ये भी मानना है कि देश में चौथी लहर आ भी गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के ललित कांत का कहना है कि देश में जैसे ही लोग मास्क पहनना छोड़ देते हैं, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। ऐसे में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन जरूरी ये है कि मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है या नहीं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने मास्क अनिवार्य कर दिया है। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जैसे दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि मास्क लगाने को हेल्थ एजुकेशन के साथ लागू किया जाए, लेकिन मास्क पहनने के अलावा किसी भी तरह की पाबंदियां लगाने की जरूरत नहीं है। महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने एक बातचीत के दौरान कहा कि आखिर हम कब तक मास्क लगाने और बाकी पाबंदियों को लागू कर सकते हैं। अगर लोगों को कोरोना हो भी जाता है तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि वायरस काफी माइल्ड है और इसके लिए स्कूल बंद करने या लॉकडाउन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को मास्क पहनना चाहिए और वैक्सीन की रफ्तार तेज करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।